भारत की सेना का सिपाही हमेशा चुनौती की तैयार रहता है। मैं गढ़वाल राइफल का पूर्व सिपाही हूँ, राइफलमैन गणेश जोशी। हम चुनौती को स्वीकार करेंगे और जिस क्योंकि आज टीम 11 पूरे 11 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। पहले 8 खिलाड़ी जो हम खेल रहे थे, जो पूरे 11 खिलाड़ी खेलते हैं तो गोल होगा, गोल भी हम करेंगे और जीतेंगे भी हम। देखिए, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और सैनिक हमेशा मोर्चे में लड़ने के लिए तैयार होता है। मेरी पार्टी ने भरोसा करके मेरे कृतित्व ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय अनिल बलूनी जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने और संघ के अधिकारियों का जिनका आशीर्वाद मुझे मिला और मेरी क्षेत्र की महान जनता, मेरे कार्यकर्ता जिनकी दुआएं मेरे साथ थी कि मेरे जैसा एक छोटा सा फौज का सिपाही जिसको राजनीति की ABCD नहीं आती थी, उस सिपाही को जो आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, आज कामना मंत्री का दर्जा दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तत्व को भी भरोसा दिलाता हूँ और क्षेत्र की जनता को भी, जिस भरोसे के साथ मुझे जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि 5 साल का काम 8 महीने में करना है। दिन रात काम करेंगे, 18-18 घंटे काम करेंगे। एक बार फिर 2022 में तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।